हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे कि आप लोग बाइक का इंजन ऑयल कैसे ठीक तरीके से चेंज कर पाएंगे। तो मैं हूँ सायन घोष और आप देख रहे हैं डिस्कवर डेस्टिनेशन। ये है बजाज का ओरिजिनल 20W50 मोबिल, जो कि 10,000 किलोमीटर्स बाद चेंज करने का इंस्ट्रक्शंस है। पर आप लोगों को रिकमेंडेशंस मैं देता हूँ कि आप लोग 4,000 किलोमीटर्स के बाद चेंज करवा लेंगे तो अच्छा होगा। तो नीचे एक डिश रखा हुआ है, इसके अंदर मतलब इसके ऊपर जो पुराना मोबिल है इसको डाला जाएगा। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। तो अब इससे जो नट होता है जिससे मोबिल निकलेगा उसको खोला जाएगा। अब देखेंगे कि मोबिल धीरे धीरे इसके ऊपर गिरेगा जैसे ही नट पूरी तरीके से खुल जाएगा। तो आपको मैं एक इंस्ट्रक्शंस देता हूँ मोबिल को ठीक तरीके से बाइक से निकालने के लिए। पहले आपको बाइक को थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा, क्योंकि जब मोबिल गर्म होता है तो आसानी से निकल जाता है, और अगर ठंडा रहता है तो ठीक से नहीं निकलता पूरा। तो देख रहे हैं आपकी ये बाइक 4,000 किलोमीटर चला है और मोबिल पूरा ब्लैक हो चुका है। तो आप अगर इसको 10,000 किलोमीटर्स तक चलाएंगे तो आपका बाइक डैमेज हो सकता है, पूरा ब्लैक हो चुका है मोबिल। अगर आपका बाइक ठंडा होता तो अभी जो मोबिल गिर रहा है वो अभी नहीं गिरता होता। गर्म होने के वजह से पूरा मोबिल इंजन से बाहर निकल रहा है, क्योंकि इसका जो विस्कोसिटी है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो इसका स्लिपिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। अभी 2-3 मिनट ऐसे ही रख देंगे कि सारा मोबिल बाहर निकल जाए, उसके बाद नया मोबिल डाला जाएगा। इस नट को टाइट करने के बाद वो दूसरी तरफ में एक होल है उससे मोबिल को डाला जाएगा। अब दूसरी साइड में हम लोग मोबिल का कैप को ओपन करेंगे मोबिल डालने के लिए। पहले जो फनेल है उसको डालेंगे। अब कैप को थोड़ा पोंछ लेते हैं ताकि कोई कचरा ना रहे। अब ये जो नट है जिससे मोबिल बाहर निकलता था उस नट को भी साफ करके अंदर फिर से टाइट करके बंद कर देंगे। मोबिल पूरा बाहर आ चुका है, अभी भी एक एक ड्रॉप करके गिर रहा है, ये गिरते ही रहेगा। तो अभी हम लोग बंद कर देते हैं, उतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास। अभी इसको साफ करके बंद कर देंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, जो मोबिल बाहर निकल रहा था वो लोहा के अंदर फंसा हुआ था। इंजन के अंदर से सारा मोबिल निकल चुका है। अब इसको एक लीवर यूज़ करके टाइट कर देंगे तो आसानी होगा। अब जो बजाज का ओरिजिनल मोबिल है इसका प्राइस आता है अराउंड 450, इसको डाल देंगे। अब प्लस से जो सील है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मोबिल को डालना पड़ेगा। आप लोग ये ध्यान रखिए कि आप बड़ा फनेल यूज़ कीजिए ताकि मोबिल बाहर ना गिर पाए, तो काफ़ी सावधानी से करना पड़ेगा और इसको करने में बहुत पेशेंस लगता है, बहुत टाइम लगता है, 2-3 मिनट तो लगेगा ही।
अब लगभग पूरा मोबिल जा चुका है और थोड़ा ही बाकी है। हाँ, अब मोबिल हम लोगों का डालना कंप्लीट होने वाला है। हाँ, अब मोबिल बोतल से पूरा बाहर आ चुका है, तो अब कैप को फिर से एक बार क्लीन करके टाइट से बंद कर देंगे। तो ये बाइक था पल्सर 150 बजाज का, ओल्ड मॉडल 2009 का था। इस बाइक में मोबिल फिल्टर नहीं रहता है, तो इस बाइक में हम लोग इसीलिए मोबिल फिल्टर चेंज करना नहीं पड़ा। आप लोगों के पास अगर नया बाइक है तो उसमें मोबिल फिल्टर लगा जाता है। आप बाइक को ऑन करेंगे तो इस बाइक में भी एक मैग्नेट रहता है, जिससे मोबिल का जो कचरा है, मतलब जो बाइक से का जो पार्ट्स का टुकड़ा है, उसको जमा करते हैं। तो उसको क्लीन करना भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो थैंक यू।